हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक कौशिक एंड आई वेलकम्स यू ऑल ऑन दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। डियर अनाउंसमेंट है, जी हाँ अनाउंसमेंट है, किसके लिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। न्यू बैच का अनाउंसमेंट है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। क्या क्या इस बैचेस में रहेगा डियर, किस तरह से बैच स्टार्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरी थी, तो हमने सोचा कि जब बैच अनाउंस ही हो रहा है तो क्यों ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के जो हमारे पास धुआंधार फैकल्टीज हैं उनके साथ ही इस बैच को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहाँ पे अपने साथ तस्लीम सर और विनोद सर को, जो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। डियर आओ सर। तो ये तस्लीम सर और ये है मेरे साथ विनोद सर, तो ये दोनों मिलकर डियर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बारीकियों से रूबरू कराएंगे। सो डियर, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हैं जो मैं इनसे सर से पूछना चाहूंगा। सर जैसे कि बच्चे पूछते हैं कि सर बेसिक से होगा क्या, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर कोई किसी बच्चे का डाउट है सर क्या बेसिक से होगा क्या, हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं हमेशा? थैंक यू सार्थक सर। और सर ये सर बहुत ही एक जेन्युइन डाउट है सर। और सर जैसे कि हम सब जानते हैं सर कि मैकेनिकल एंड सिविल में ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है बेसिक मैथमेटिक्स के अलावा सर, बट सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए सर बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना पहले जरूरी है। तो जो सर सीक्वेंस रहता है, मैंने सर काफ़ी बच्चों को देखा है सर कि बच्चे जब बीच में से ज्वाइन करते हैं उन्हें सर आधे बच्चे तो उसमें ये होते हैं उन्हें अवेयरनेस ही नहीं रहती कि बैच कब से स्टार्ट होना है, तो सर वो बेसिक इलेक्ट्रिकल को उतना प्रायोरिटी नहीं देते और सीधा सोचते हैं कि मशीन या पावर सिस्टम से, जो कि सर एक कोर सब्जेक्ट है, उसमें से आकर सर बैठते हैं और सर वो बच्चा 50% उसके ऊपर से जाता है। और मैं ये कहूंगा सर अगर बेसिक्स है, अगर कमांड हासिल करनी है और एक फील के साथ पढ़ना है तो बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और सर मैं अगर बात करूं आपका SSC JEE के रिगार्डिंग, जैसे कि सर हमारा बैच भी है ऑल SSC JEE एंड State JEE AE के लिए, बाकी सर मैं इसके लिए बताना चाहूंगा और बच्चे भी सुन रहे होंगे सारे, ये जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसके अंदर बेटा नेटवर्क एनालिसिस और आपका EMFT का बेसिक आता है, जिसमें हम राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल और बेटा ये सब चीजें पढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, तो ये सारा मिलाकर आपका 30-40% कवर करता है। अब बेटा ये सर ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी बच्चों को कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इतना बड़ा पार्ट कवर करता है, बेटा ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से कि 30-40% आता है। अगर मैं बात करूं कि मशीन पावर सिस्टम में इसका यूज है, बिल्कुल है बेटा, तो ओवरऑल बेटा बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल। अब सर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता हूं सर, जो मैं विनोद सर से करना चाहूंगा, जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर JEE का जैसा हम अगर बैच लेते हैं तो क्या उसमें AE का भी कवर हो जाएगा? तो बेटा AE के कुछ सब्जेक्ट अलग हैं, अब हम उसे किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, हमारा एज अ टीचर या मैनेजमेंट की तरफ से क्या रोल रहने वाला है, क्या सिक्वेंस रहने वाला है, वो आपको विनोद सर एक बेटर तरीके से बताएंगे। विनोद सर। एवरीवन, तो सर जैसे कि आपने डिस्कस किया AE JEE का, तो देखिए बच्चों होता क्या है, जैसे तस्लीम सर ने पहले बात की बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल AE हो या JEE हो सर दोनों में कॉमन है और वही हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो वो सब्जेक्ट सर दोनों बेचेस में कॉमन चलेगा जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि वो सिलेबस सर ऑलमोस्ट सेम है दोनों में, AE में JEE में। लेकिन जैसे सर हम आगे मूव करेंगे कोर सब्जेक्ट्स में, लाइक फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, तो उसमें सर सिलेबस का डिफरेंस है, तो उसमें हम क्या करेंगे जो पोर्शन कॉमन है वो तो हम साथ में चलाएंगे, लेकिन आगे चल के जहाँ पे सिलेबस डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वहाँ पे हम बायफर्केट कर देंगे दोनों बेचेस को। और सर एडिशनली मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, जैसे AE और JEE में एक और डिफरेंस है कि सिलेबस का, जैसे AE में देखिए कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं जो BTech कर चुके हैं, और JEE में कौन एलिजिबल होता है जो डिप्लोमा कर चुके हैं। अब AE के एग्जाम में 4-5 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे सर कहीं कहीं माइक्रो प्रोसेसर भी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ठीक है, कहीं कहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंट्रोल सिस्टम भी है, तो ये सब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है बेटा वो हम AE वालों को अलग से कराते हैं। और दूसरी बात सर मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा बच्चों को, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को, जैसे कि सर वो JEE का कोई कोर्स परचेस करते हैं या JEE की कोई बैच में वो एनरोल करते हैं, तो होता क्या है जैसे उनके स्टेट में कोई एग्जाम निकला JEE का, तो उसके लिए अलग तैयारी करते हैं, SSC JEE के लिए अलग तैयारी करेंगे, RRB JEE के लिए अलग तैयारी करेंगे। ये मेथड बिल्कुल मेरे हिसाब से एफिशिएंट मेथड नहीं है, हम पढ़ाएंगे तीनों बैच में सेम ही चीज, तो आपको बेटा क्या करना है एक ही बैच में एक बार एनरोल करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है और फिर एग्जाम अच्छे से देनी है। ठीक है सर, तो मतलब कंक्लूजन ये निकला है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है वही सब जगह आनी है,
ठीक है, उसके लिए जेई है या एई आपको जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग वो बैच पकड़ो और उसी बैच से आपके सारे एग्जाम जो भी आपके स्टेट के हो चाहे सेंटर के हो वो कवर हो जाएंगे। और तस्लीम सर आपकी बात से मैं समझाऊं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर स्टार्ट करनी है तो वो बिना बेसिक इलेक्ट्रिकल ये मतलब नेटवर्क के नहीं हो सकती है, तो हम भी अपना बैच बेसिक इलेक्ट्रिकल से और नेटवर्क से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का बेस क्लियर किया जाएगा, बेस बनाया जाएगा, सो दैट आगे आपके आने वाले जो कोर सब्जेक्ट है मशीन है पावर सिस्टम है उसमें आपको बहुत ही बहुत ज्यादा आनंद आप लोग फील करो। तो इसी तरीके से ये स्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो डियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच दोनों बैच डियर हमारे 3 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। एसएसटी जेई जो भी आपका स्टेट का हो आरआरबी का हो ठीक है, सारे बैचेस में यहाँ पे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एजेई के लिए आप एनरोल कर सकते हो, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। ये आपके कुछ कुछ रिक्विजिट्स जो रहेंगे, वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी, ऑनलाइन आपका रिविजन रहेगा, रिविजन क्लासेज एक्स्ट्रा क्लास ये सब तो रहता ही है, ये सब होगा ही होगा। और ये नंबर डियर आपको नंबर दिया हुआ है, तो बैच में एनरोल करने के लिए किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आपकी कोई भी एग्जाम की क्वेरी हो, किसी सब्जेक्ट को रिलेटेड क्वेरी हो, किसी फैकल्टी से आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ठीक है, कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है डियर, इंजीनियर्स करियर ग्रुप आपके साथ है। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई वहां पे मिलेगा। सो डियर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। एक बार तस्लीम सर कुछ। सर मैं एक क्वेरी है बच्चों की जो की आजकल बहुत ज्यादा है, उसे सर मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। सर वो ये था जैसे कि सर एक दो बच्चे हमारे पास आए थे, सर वो मैथमेटिकली बहुत वीक थे सर, और ऐसे जो ये वीडियो जिन बच्चों तक पहुंचेगी उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मैथमेटिकली वीक हैं। तो सर मैंने उन्हें सर अलग से कम 2 से 3 दिन मैंने अलग से मैथमेटिक्स पढ़ाया सर उनको, और सर जो हमारे रेगुलर बैच चलते हैं उनके अलग मैंने टाइम देकर उन चीज़ को पढ़ाया है। और सर विनोद सर ने भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं होती हैं, बट सर उस पर वो आना जरूरी है उन चीज़ों को करने के लिए। तो सर यहाँ मुझे सबसे बड़ी चीज़ तो ये लगी कि मैनेजमेंट ने हमें ये चीज़ गाइड की कि जो बच्चा जिस तरीके से कमजोरी उसकी दूर हो सके उसे भी आपको निकालना है और बच्चे का सिलेक्शन जरूरी है। तो सर ये मुझे बहुत ही पसंद आया सर हमारे मैनेजमेंट का जो एक पार्ट रहा, और सर ये हमारे लिए सर एक प्लस आगे तरह सर ये बच्चों का भी सर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा सर। जैसे सर अभी दो बच्चे थे उन्होंने मुझसे सर फीडबैक में यही बोला है कि सर काफ़ी चीज़ें हमें पहले से समझ में इसलिए नहीं आती थी क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स कमजोर था, और सर मैंने 2-3 दिन उन बच्चों को वो पढ़ाया और आज बच्चा वो टेक्निकल अच्छे से समझ पा रहा है। सर टेक्निकल टफ नहीं होता है, टेक्निकल टफ हमारे पढ़ाने के बाद केवल उस बच्चे को लग सकता है जिसका 8th क्लास तक का मैथ्स क्लियर नहीं होगा। अभी भी सर मैं ओपनली प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, जिस बच्चे का 8th तक का मैथ्स क्लियर है उसे सर 6 महीने के अंदर अंदर जेई बना सकते हैं सर। टेक्निकल की जिम्मेदारी सर हमारी है सर। वाह सर, अगर मैथ सर क्लियर नहीं है तो वो हम पहले 1 हफ्ते में वो क्लियर कराएंगे, तो 6 महीने 1 हफ्ता लगेगा फिर उसके बाद ठीक है। वो मैं समझ रहा हूँ सर, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ना, और इसमें से हो सकता है आप भी हो, अगर आप हो आपको सबसे पहले वो मानना है कि हाँ ये मेरे साथ दिक्कत है, ये मेरे को पहले सॉल्व करनी है। जैसे बेसिक लीनियर इक्वेशन ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है उसमें सर मैं समझ रहा हूँ उसमें शायद प्रॉब्लम आ रही है, रूट्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले वो आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे कि आप क्लास में जब बैठो तो आपको बहुत ज्यादा मजा आए, क्लास में बैठ के आपको लगे कि इंजीनियरिंग में मजा आ गया पढ़ के। तो इसी तरह से यहाँ पे आए, क्लासेस चलती है इसी तरीके से ठीक है, सारे फैकल्टी सारे मैनेजमेंट मिलकर काम करता है डियर। सो जल्दी से जल्दी अगर आप भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपका भी सपना है जेई या एई बनने का, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। चंडीगढ़ आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन आ जाओ, नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा ठीक है डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।